डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में, हम लोग कैपेसिटेंस पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। पिछले कुछ क्लासेज में हम लोगों ने डायलेक्ट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था, रिलेशन बिटवीन द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एंड ससेप्टिबिलिटी, रिलेशन बिटवीन द इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड पोलराइजेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम लोग आते हैं कैपेसिटेंस की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कैपेसिटेंस होता क्या है। तो कैपेसिटेंस एक्चुअल में क्या है, वो कैपेसिटर की कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी किस चीज़ की होगी, तो किसी भी चीज़ कैपेसिटर के केस में क्या होता है कि एनर्जी को स्टोर करने की कैपेसिटी, यानी कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है किसके फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। तो जब चार्ज होगा तभी तो आपका एनर्जी आएगा, ठीक है। तो या तो इलेक्ट्रिकल चार्ज को आपका वही होल्ड करता है या फिर आपका एनर्जी को ये होल्ड करता है, तो उसी की कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। तो एज ए एलिमेंट क्या हो गया आपका, कैपेसिटर, और कैपेसिटेंस क्या हो गया, उसकी कैपेसिटी होगी चार्ज को होल्ड करने की, ठीक है। तो पहला जो हमारा टॉपिक है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर वर्ड क्यों यूज करें, क्योंकि चार्ज किस पे होगा आपका, कंडक्टिंग मटेरियल पे होगा, इसलिए आप है कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कितना ये कैपेबल है चार्ज को होल्ड करने में, उसकी कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो डेफिनेशन क्या हुआ, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज अ मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज और एनर्जी। चार्ज भी कह सकते हैं और एनर्जी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसका डिफाइन कर देते हैं। तो कैपेसिटर ऑफ ए कंडक्टर, कैपेसिटर ऑफ अ कंडक्टर इज अ मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। This is the definition of the capacitance of a conductor. अब जो है, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई अगर कंडक्टिंग मटेरियल है, उस पर अगर हम चार्ज देते हैं, चार्ज क्यू अगर देते हैं किसी भी मटेरियल पे, कंडक्टर पे, तो क्या होगा, उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। जो चार्ज हम देंगे तो क्या होगा, आपका पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा। कैसे, तो देखिए, पोटेंशियल का डेफिनेशन, जो फॉर्मूला था वो क्या था आपका, वी इज इक्वल टू 1/4πε0Q/r2। 1/4πε0, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0Q/r, ये आपका फॉर्मूला था। तो जरा देखिए, यहाँ पे 1/4πε0 आपका कांस्टेंट हो गया, इस r को भी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कांस्टेंट। तो v बढ़ेगा कैसे, अगर हम चार्ज को इंक्रीज करेंगे तो v आपका बढ़ेगा। तो अगर किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में अगर हम चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल भी क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। तो पोटेंशियल अगर इंक्रीज करेगा तो वहीं से हम डिफाइन कर सकते हैं कि चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आपका, वी। तो अब देखिए, व्हेन अ चार्ज क्यू इज गिवन टू कंडक्टर and its potential is V, then charge Q is proportional to V। उस केस में क्या हो जाएगा आपका, चार्ज Q जो है क्या हो जाएगा आपका, किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका, V के, यानी चार्ज Q is proportional to V। तो चार्ज Q is proportional to V। अब इस अगर प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पे एक टर्म आएगा आपका C, और इसी C को हम कहते हैं क्या, कैपेसिटेंस कहते हैं। तो वेयर C इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। और
इसी सी को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ से सी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो एक और डेफिनेशन आपका हो सकता है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चार्ज गिवन टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस या राइजेज इन पोटेंशियल। किसका रेशियो हो गया आपका, चार्ज गिवन और टू द चेंज इन पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल आपका चेंज हुआ, तो वो आपका हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, यानी सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अब इसके यूनिट पर हम जरा आते हैं। देखिए एस आई यूनिट ऑफ सी, कैपेसिटेंस सी इज, इसका यूनिट होता है आपका, अगर डेफिनेशन से देखा जाए तो चार्ज का आपका यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है आपका कूलम, और पोटेंशियल का क्या होता है आपका वोल्ट, यानी कि कूलम पर वोल्ट हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे क्या, कूलम पर वोल्ट, और यही जो है आपका दिस इज इक्वल टू, इसको हम कहते हैं क्या, फैराड। इसको क्या कहते हैं हम लोग, फैराड, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। तो कूलम पर वोल्ट इज इक्वल टू क्या कहलाएगा आपका, फैराड। तो ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज क्या हो गया, फैराड। तो यहां से अगर हम चाहें तो वन फैराड इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, वन कूलम बाई वन वोल्ट, यानी कि दिस इज इक्वल टू, वन फैराड इज इक्वल टू वन कूलम पर वोल्ट लिख सकते हैं। और इसको अगर आपको डिफाइंड करना हुआ यहां से, अगर हम चाहें तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेट टू बी वन फैराड इफ वन कूलम चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल थ्रू वन वोल्ट। क्वेश्चन कभी कभी ये भी आता है कि डिफाइन वन फैराड, तो वन फैराड का डिफिनेशन आप हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर या कंडक्टर इज सेट टू बी वन फैराड इफ वन कूलम चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल थ्रू वन वोल्ट, यानी वन वोल्ट पोटेंशियल को इंक्रीज करने में कितना चार्ज आपको देना होगा, वन कूलम का। तब हम कहेंगे क्या कि उस मटेरियल की कैपेसिटी यानी कि उस कंडक्टर की कैपेसिटी कितनी है, वन फैराड, यानी कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज वन फैराड। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ वन फैराड को, ठीक है। तो ये देखिए दस कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी वन फैराड इफ ए चार्ज ऑफ वन कूलम्ब इज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल टू इंक्रीज करिए ज्यादा उसको डेवलप रहेगा टू इंक्रीज इट्स पोटेंशियल थ्रू वन वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका हो गया डेफिनेशन ऑफ द वन फैराड, ठीक है। अब जरा देखें इसमें, इसका हम लोग देखते हैं क्या डायमेंशन फॉर्मूला। तो देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे हम लोग निकालेंगे, तो वन फैराड इज इक्वल टू आपका क्या है, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। डेफिनेशन से क्या आपका सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो सी इज इक्वल टू जब क्यू बाई वी है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है। अब जरा देखिए सी इज इक्वल टू आपका क्यू बाई वी है, Q का क्या होता है चार्ज यानी कि C और कूलम्ब, और यहाँ से V का क्या लिखते हैं हम लोग, जूल पर कूलम्ब लिखते हैं। तो ये कूलम्ब और कूलम्ब क्या हो जाएगा आपका, कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका जूल। तो कूलम्ब का क्या होता है आपका AT, यानी कि ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और जूल का क्या होता है आपका न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर का मतलब एम एल टू टी माइनस टू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एम माइनस वन एल माइनस टू ए सॉरी टी फोर और ए क्या हो जाएगा आपका टू, यानी एम माइनस वन एल माइनस टू टी फोर ए टू। फिर से देखिए कूलम्ब का क्या होता है चार्ज, कैपेसिटेंस का क्या हो जाएगा कूलम्ब डिवाइडेड बाय जूल पर कूलम्ब, ये कूलम्ब ऊपर जाएगा तो कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर बाय जूल। कूलम्ब का मतलब क्या होता है चार्ज का आई इंटू टी यानी ए टी करेंट इंटू टाइम, तो सी स्क्वायर इसलिए ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया। जूल का क्या होता है आपका न्यूटन मीटर,
तो न्यूटन का फोर्स, फोर्स का क्या होता है एम एल टी माइनस टू, और इन टू एल करेंगे तो क्या हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू, तो एम एल टू टी माइनस टू। अब ये डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा एम रेस टू द पावर माइनस वन, एल रेस टू द पावर क्या जाएगा माइनस टू, टी रेस टू द पावर हो जाएगा फोर, और ए हो जाएगा आपका टू। तो यहाँ लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस एज क्या हो जाएगा एम माइनस वन एल माइनस टू टी फोर ए टू। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एम माइनस वन एल माइनस टू टी फोर ए टू। तो ये हमारा क्या हो गया डेफिनेशन हो गया आपका कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर का डेफिनेशन आपका हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं कैपेसिटर। अभी तक तुम लोगों ने देखा कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, यानी कि उसकी कैपेसिटी क्या है। अब हम आते हैं कैपेसिटर की तरफ। तो कैपेसिटर एज ए क्या हो गया आपका एलिमेंट हो गया, ठीक है। कैपेसिटर क्या हो गया आपका एलिमेंट हो गया, और उसकी कैपेसिटी को हम क्या कह रहे हैं कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए कैपेसिटर एक्चुअल में होता क्या है कि दो कोई भी दो पैरेलल प्लेट्स ले लीजिए, ठीक है। दो कोई भी पैरेलल प्लेट्स किसी भी शेप का ले लीजिए, और उसको दोनों को इस तरह से आप प्लेस कीजिए कि दोनों के बीच में सेपरेशन बहुत ही कम हो, यानी क्लोज टू ईच अदर। तो उस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे कैपेसिटर कहेंगे, ठीक है। तो कैपेसिटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टिंग मटेरियल्स या टू कंडक्टर्स हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड क्लोज्ड ईच अदर। इन दोनों को क्या किया है प्लेस्ड क्लोज्ड ईच अदर, यानी कि दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है बहुत ही स्मॉल सेपरेशन है। तो उस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे कैपेसिटर कहेंगे। तो देखिए कैपेसिटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ of two conductors having charges plus q and minus q are placed close to each other, ठीक है। यानी दो कंडक्टिंग मटेरियल्स जिस पे चार्ज जो है एक पे प्लस क्यू और दूसरे पे क्या आपका माइनस क्यू, जब दोनों को हम बिल्कुल प्लेस क्लोज टू ईच अदर करेंगे तो उस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं कैपेसिटर कहते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए किसी भी शेप का, जरूरी नहीं हो कोई पैरेलल हो, किसी भी शेप का हमने एक मान लीजिए कि ये आपका ले लिया प्लस क्यू, और एक यहाँ पे हमने ले लिया इस तरह से एक, इसको थोड़ा सा ऐसे रखिए टू डायमेंशनल दिखा रहा है ना ये ऐसे, ठीक है। और एक पे आपका आ गया माइनस क्यू, मान लीजिए इसका भी दोनों इस तरह से ये, तो इस पे पोटेंशियल क्या होगा आपका V प्लस, और इस पे पोटेंशियल क्या होगा V माइनस, क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल। इन दोनों के बीच सेपरेशन बहुत ही आपका स्मॉल है। तो इस ये भी इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे कैपेसिटर कहेंगे, क्योंकि एक पे प्लस और एक पे माइनस है, दोनों पे क्या होंगे कंडक्टिंग मटेरियल्स होंगे। अब ये जो जरूरी नहीं है कि शेप क्या है, तो कोई भी हमने शेप ले लिया किसी भी शेप को होना चाहिए, दोनों बस चार्ज आपका होना चाहिए, दोनों प्लेस क्लोज टू ईच अदर होना चाहिए, उस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं कैपेसिटर कहते हैं। तो अब देखिए For a given capacitor Q is proportional to क्या हो जाएगा आपका V हो जाएगा, हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो Q is proportional to क्या हो गया V, और यहाँ पे V क्या है This V is the potential difference between the two plates यानी V जो है क्या है दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल का क्या है डिफरेंस है। तो Q is proportional to V, तो Q is equal to क्या हो जाएगा सी वी, तो C इज इक्वल टू क्या आ गया Q बाई V, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर कैपेसिटर। अब यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या कि वेयर, वही चीज जो पहले लिखा था हम लोगों ने, वेयर C इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट इज नोन एज कैपेसिटेंस, चाहे तुम यहाँ पर लिख सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर भी लिख सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन को हम क्या करें कैपेसिटर करें। तो कैपेसिटर की कैपेसिटी को ये रिप्रेजेंट करेगा, C इज इक्वल टू क्या हो गया आपका क्यू बाई वी। अब जरा देखिए यहाँ पे, तो पिछले वाला जो हम लोगों ने कैपेसिटेंस डिफाइन किया उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, बस वहाँ पे क्या था हमने सिर्फ लिखा था कि किसी एक प्लेट्स को लेकर चले थे तो अब कंडक्टर हो गया, और जो दो प्लेट्स हम लेंगे तो उसको क्या कहेंगे हम लोग कैपेसिटर कहेंगे। इसके सिम्बॉल्स जो होते हैं सिम्बॉल्स यहाँ लिख रहा हूँ सिम्बॉल्स सिम्बॉल ऑफ कैपेसिटर कैसे पहचानेंगे कैपेसिटर कैसे,
रिप्रेजेंट करेंगे। सिंबल इसका क्या होता है, सिंबल आपका ये होता है, दो पैरेलल प्लेट्स कॉमा, इसको हम और भी इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं सिलेंड्रिकल टाइप। और एक और होता है आपका दिस एज, ऐसे एरो बना हुआ का कट करके एरो। तो एरो किसी भी एलिमेंट्स पे, चाहे रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो, किसी पर भी अगर एरो हेड लगा हुआ, इसका मतलब क्या, नोटेशन इसका मतलब क्या होता है, वेरिएबल कैपेसिटर, उसको मतलब वेरिएबल होता है। अगर ये कैपेसिटर के ऊपर लगा हुआ है तो वेरिएबल कैपेसिटर हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे क्या, वेरिएबल कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर। और अगर ये रजिस्टर के ऊपर लगा रहेगा सिंबल, ये एरो हेड कट किया हुआ रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे, वेरिएबल रजिस्टर हम कहेंगे। ठीक है, ये दोनों हो गया फिक्स्ड हो गया, ये पैरेलल प्लेट, ये सिलिंड्रिकल, और ये क्या हो गया आपका, वेरिएबल कैपेसिटर आपका हो गया। तो ये आपका अगर डिफिनेशन हो गया कैपेसिटर का। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड एस्फेरिकल कंडक्टर के लिए। नेक्स्ट जो हमारा है कैपेसिटेंस ऑफ एस्फेरिकल, आइसोलेटेड एस्फेरिकल कंडक्टर के लिए। तो अब हम लोग लेते हैं कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड एस्फेरिकल कंडक्टर। तो एक चीज बताइए, आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, कि उस पर किसी और एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल किसी भी चीज़ का इफेक्ट उस पर नेग्लेजिबल, यानी कि जीरो हो। ठीक है, आइसोलेटेड का मतलब आपका ये होता है। तो हमें जो है एस्फेरिकल कंडक्टर, आइसोलेटेड एस्फेरिकल कंडक्टर के लिए हमें कैपेसिटेंस उसका फाइंड आउट करना है। ठीक, अब जरा देखिए, कंडक्टर है, तो कंडक्टर अगर है तो चार्ज उसका क्या होगा, आपका सरफेस के स्फीयर पे चार्ज आपके होंगे। लेकिन हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, कि ऑल चार्जेज, यानी कि स्फीयर पे जो भी चार्जेज हैं, वो सारे के सारे हम लोग कहाँ पे एज्यूम करते हैं, सेंटर पे। जैसे हम लोग मास भी अगर हम लेते हैं किसी बॉडी का, मास बहुत ही बड़ा मास होता है, उसका जब हम फ्री बॉडी डायग्राम हम जब प्लॉट करते हैं, तो ये एज्यूम करते हैं कि होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड टू बी सेंटर। तो उसी तरीके से जो चार्ज आपका जो स्प्रेड होगा किस पे, एस्फेरिकल सरफेस पे, उसको हम क्या एज्यूम करेंगे, चार्ज को कहाँ पे, उसके सेंटर पे। ठीक है, तो अब देखिए, कंसीडर एन आइसोलेटेड एस्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर हैविंग चार्ज, हैविंग चार्ज क्यू, या ऐसा करते हैं, कंसीडर आइसोलेटेड एस्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर, ठीक है, आर फुल स्टॉप, लेट अ चार्ज क्यू, चार्ज क्यू बी, चार्ज क्यू एज्यूम्ड टू बी, एज्यूम्ड टू बी, क्यों एज्यूम कर रहे हैं मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर ओ ऑफ एस्फेयर, एस्फेरिकल कंडक्टर कर देते हैं, एस्फेरिकल कंडक्टर। अब जरा देखिए, ये एज्यूम कर लीजिए आप, ये आपका जो है एस्फेयर हो गया, और यहां पे इसका आपका सेंटर हो गया। ठीक है, अब अगर ऐसा मान लीजिए कि अगर चार्ज, सारे के सारे चार्ज, चार्ज तो आपके स्प्रेड कहां पर होता है, सरफेस पे, अगर चार्ज आपके सरफेस पे स्प्रेड होंगे, क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, तो इस चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा आपका, डाइवर्ज करेगा, कन्वर्ज करेगा, डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस का मतलब डायरेक्शन किधर जाएगा, आपका आउटवर्ड सारा जाएगा। तो ये लाइन से अगर डायरेक्शन आपका आउटवर्ड, यहाँ से आपका आउटवर्ड, यहाँ से आपका आउटवर्ड, यहाँ से आपका आउटवर्ड, यानी कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर ऐसे 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 ऐसे, ये आपका लाइक दिस लाइक दैट, अगर इस टाइप से अगर होगा, ठीक है, तो इसको अगर सबको हम कन्वर्ज करेंगे, तो इस कहाँ पर आएगा, आपका सेंटर पर आएगा। इसीलिए हम लोग पूरे चार्ज को ये ज़ूम कर लेते हैं, कहाँ पे है आपका चार्ज, सारा का सारा चार्ज कहाँ पे है, सेंटर पे। सेंटर पे अगर चार्ज रहेगा तो फील्ड लाइंस कैसे, इसी लाइक्स लाइक दिस स्प्रेड होंगे सारे सराउंडिंग। तो इसीलिए इसको एज्यूम क्या किया गया आपका, कि चार्ज आपका हमने क्या ज़ूम किया, कहाँ पे, उसके सेंटर पे। तो अब देखिए, तो रेडियस कितना इसका हमने लिया है, आर, और चार्ज को हमने एज्यूम कहाँ पे किया हमने, सेंटर पे। ठीक है, तो अब जरा देखिए डायग्राम आपका तो यही रहेगा। ठीक, अब जरा ये, तो यहाँ पे हमने ले लिया सेंटर ओ और चार्ज क्यू, और यहाँ से मान लीजिए दिस इज द रेडियस आर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, क्यू बाई वी होता है ना, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, दिस इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो वी कितना हो जाएगा,
वी आर डिस्टेंस पे भी कितना हो गया आपका सरफेस पे, तो 1/4 pi epsilon naught क्यू बाई आर, ये होता है फॉर्मूला। क्यू और क्यू कैंसिल, तो क्या हो जाएगा सी इज इक्वल टू, तो सी इज इक्वल टू 4 pi epsilon naught r। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड एस्फेरिकल कंडक्टर। तो सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, सी इज इक्वल टू क्यू वी, पोटेंशियल का डेफिनेशन। यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा डिस्टेंस पे, हमने पढ़ा था 1/4 pi epsilon naught क्यू बाई डिस्टेंस यानी क्यू बाई आर। तो यहाँ पे क्यू बाई आर, दिस क्यू एंड दिस क्यू कैंसिल, 4 pi epsilon naught कहाँ चला जाएगा आपका न्यूमिनेटर में, तो सी इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 4 pi epsilon naught r। तो इस फॉर्मूले से किसी भी स्फेरिकल शेप का हम लोग जो है आइसोलेटेड सिस्टम का हम लोग कैपेसिटेंस उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जरा देखिए एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं किसके लिए, अर्थ के लिए, फॉर अर्थ, फॉर अर्थ। अब जरा देखिए अर्थ का रेडियस कितना होता है, वी नो दैट रेडियस ऑफ अर्थ एच क्या होता है, कैपिटल आर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, 6400 किलोमीटर डायल करते हैं, 6400 किलोमीटर, ये आपका होता है 6400 किलोमीटर। इसको हम SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 6.4 × 10⁶ meter लिखेंगे इसको, 6.4 × 10⁶ meter। अब जरा इस फॉर्मूले में रखिए, तो C इज इक्वल टू यानी कि C इज इक्वल टू 4 pi epsilon naught और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग R, तो इसका वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग 4 pi epsilon naught। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने पढ़ा था कि 1/4 pi epsilon naught का वैल्यू क्या होता था, 9 × 10⁹, तो 4 pi epsilon naught का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/9 × 10⁹, इतना हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे 4 pi epsilon naught का वैल्यू हम ये रखेंगे और R का वैल्यू तुम्हें पता है, तो R का वैल्यू रखिए आप 6.4 × 10⁶ डिवाइडेड बाय 9 × 10⁹, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 0.711 × 10⁻³ और कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है आपका फेराड, ये हो गया आपका फेराड। तो इसको हम लिख सकते हैं 711 × 10⁻⁶ फेराड और 10⁻⁶ का मतलब क्या होता है माइक्रो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 711 माइक्रो फेराड, यानी कि ये आपका क्या हो गया कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ की कैपेसिटी, अगर उसका कैपेसिटेंस हमें निकालना हो तो इसी फॉर्मूले से आपका क्या निकल जाएगा दिस। तो वैल्यू हमने रखा 4 pi epsilon naught का वैल्यू 1/9, तो 1/9 आर का वैल्यू हमने यहाँ से रख दिया, इसको सॉल्व किया तो 711 माइक्रो फेराड, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। तो ये छोटा सा एक न्यूमेरिकल भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या निकल गया, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें मैंने सिंबल्स में बताया था आपको कैपेसिटर्स का सिंबल्स, तो उसमें इंडिकेशन में दिया था दो लाइंस मैंने ड्रॉ किए थे पैरेलल, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम क्यों कहते हैं, हमने जो कैपेसिटर का डेफिनेशन क्या लेता है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टिंग मटेरियल्स या टू कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ एनी शेप, तो वो हो गया आपका कैपेसिटर। लेकिन जब वहाँ पे शेप को हम अगर चेंज कर देते हैं, पैरेलल कर देते हैं, तो उसको हम कहेंगे क्या कॉम्बिनेशन, उस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी कि हम कह सकते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, तो उस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपका मेंशन किया हुआ है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ अ टू लार्ज कंडक्टिंग प्लेट इज पैरेलल टू ईच अदर एंड सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो यहाँ डायग्राम में जरा देखिए, एक प्लेट हमने लिया है P और एक प्लेट हमने लिया है Q। इस प्लेट P पे प्लस चार्ज है और इस प्लेट Q पे माइनस चार्ज है, इसलिए इस प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड इस प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी आपका क्या हो गया माइनस सिग्मा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये आपके फील्ड लाइन्स आपके होंगे और इसको जो है प्लेस किया हुआ है यानी कि बीच में आपका क्या है वैक्यूम है, फ्री स्पेस वैक्यूम यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना आपका है डी है। तो अब देखिए ये दो इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ से हमें इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमें कैपेसिटेंस हमें फाइंड आउट करना है, यानी सी हमें फाइंड आउट करना है कि सी का एक्सप्रेशन क्या आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए
तो लेट ए बी द एरिया ऑफ फेसिंग सरफेस, यानी कि जो प्लेट्स आपको दिख रहे हैं, मान लीजिए ये दो प्लेट्स आपके पैरल हो गए, इसको आप मान लीजिए कि दो पैरल प्लेट्स ये हैं, एक ये पैरल प्लेट्स हो गया, एक ये पैरल प्लेट्स हो गया, तो फेसिंग सरफेस किसका फेसिंग सरफेस कौन सा, ये वाला, यानी ये जो आपका होगा इस सरफेस का एरिया कितना हम ले रहे हैं ए, तो लेट ए बी द एरिया ऑफ फेसिंग सरफेस, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू बी द चार्ज ऑन प्लेट पी एंड क्यू, यानी पी पे आपका क्या है प्लस क्यू चार्ज है और क्यू पे क्या आपका माइनस क्यू चार्ज है। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड या बिटवीन कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज क्या हो जाएगा आपका, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, हम लोग पहले भी कर चुके हैं पोलराइजेशन में, मैंने बताया था कि आपका सेम वही रिपीट होगा, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, E इक्वल टू आपका क्या क्या सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो लिखेंगे क्या कि सिंस V इज इक्वल टू क्या होता है E इंटू आर, यहाँ पर सेपरेशन क्या है D, हम लोग ने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है, तो वहाँ से V इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका E इंटू D, और E का वैल्यू क्या है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू D, सिग्मा क्या आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो हमें यह भी पता है कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी क्यू अपॉन ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका क्यू और ए, और यहाँ पे क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या आ गया डी, ये आपका हो गया वी। अब जरा देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हमें पता है कि सी इज इक्वल टू क्या होता है आपका क्यू बाई वी होता है ना, यहाँ पे क्यू है तो वी को हम इधर की तरफ ले जाते हैं, ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्यू बाई वी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाएगा, ध्यान से देखिए v को इधर लाएंगे तो q बाई वी हो जाएगा और एप्सिलॉन नॉट इधर आएगा और d इधर आएगा, तो एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, दिस इज व्हाट c, तो c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, ये आपका आ गया रिक्वायर्ड रिलेशन। तो कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, ये आपका हर एग्जाम में डिफाइन करने के लिए आता है, डिराइव करने के लिए आता है, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या CBSE और ICSE बोर्ड हो, सभी एग्जाम्स में ये जनरली पूछे जाते क्वेश्चन है, ये डिराइव द रिलेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो सी इज इक्वल टू क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो हम कह सकते हैं कि सी जो है डायरेक्टली किस पे, देखिए एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट हो गया, तो किस पे डिपेंड करेगा आपका फेसिंग एरिया पे, और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा आपका सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, यानी हम कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फेसिंग एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन देम, तो यहाँ पर नोट में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि हम भी लिख सकते हैं कि C इज प्रोपोर्शनल टू A एंड C इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D, ये हम कह सकते हैं, इसको अगर हम चाहें तो इसको हम बॉक्स में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी आपका कंक्लूजन निकल गया, C यानी किस चीज पर डिपेंड कर रहा है फेसिंग एरिया पे और दूसरा आपका किस पे सेपरेशन बिटवीन द कैपेसिटर पे, तो ये हमारा हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इस तरीके से इस पे हम जो है न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे तो जैसे हमने भी क्या लिया था वैक्यूम लिया था, अब इसमें हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे, तो डाइलेक्ट्रिक को जब इंसर्ट करेंगे तो देखेंगे व्हाट इज द इफेक्ट व्हेन वी इंट्रोड्यूस्ड द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द टू कंडक्टिंग प्लेट्स, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस, तो हम चेक करेंगे, ये हम लोग उसमें देखेंगे डिराइव करके कि कैपेसिटेंस जो है डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने पे कैपेसिटेंस आपका इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ये हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में। तो इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक हमारा स्टार्ट होगा अगले वीडियो में, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, थैंक यू।